हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन आवर SST क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज, आई एम योर SST टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव सून टुक द चार्जेस ऑफ द कंपनी फोर्स इन द बंगाल एंड रीस्टोर्ड द कंपनी अर्लियर पोजिशन एंड ट्रेड प्रिविलेज बाय द ट्रेचर्स मीन्स। जो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको कंपनी का, जो बंगाल की जो कंपनी था उसका चार्ज उसके हाथ में दिया गया और ये एक विवादी माध्यम से कंपनी को, कंपनी की पोजीशन लाना चाहता था और व्यापार करना चाहता था। क्लाइव ब्राइव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराज कोर्ट, सिराजुद्दौला के कोर्ट में जितने भी जो विश्वास पात्र जो मेंबर थे उनको उसने ब्राइब दी, मतलब कि उसको घूस दी, इंक्लूडिंग द जनरल मीर जाफर, साथ में जो मीर जाफर जो था उसको भी दी। क्लाइव्स इंट्रीग्यूज अल्टीमेटली लीड अ बैटल ऑफ द प्लासी, और आखिरकार जो बैटल ऑफ द प्लासी है, जो युद्ध था, ये हुआ कब हुआ था, ये 1757 में। मीर जाफर विड्रॉ हिज ट्रैप्स फ्रॉम द बैटल फील्ड, और जो मीर जाफर ने जो सैनिक जमा, मतलब वो जो पहले के सैनिक जमे हुए थे, मीर जाफर ने वो सैनिकों को हटा दिया था और सिराज वो डिफीटेड एंड किल्ड, जो सिराजुद्दौला था वो हार गया और मारा गया। द कंपनी मेड मीर जाफर अ न्यू रूलर टू रिटर्न फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, और जो मीर जाफर जो था उसको नया नवाब वहाँ का बना दिया गया था। द जमींदारी ऑफ द 24 परगनास इन बंगाल, और जो 24 परगनास थे उनकी जो जमींदारी थी वो उसको सौंप दी गई। एंड राइट टू फ्री ट्रेड, और उसको व्यवहार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। द विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म अ कंपनी फ्रॉम अ मीट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू अ पॉलिटिकल फोर्सेस इन बंगाल। अब वहाँ पर जो पॉलिटिकल नेटवर्क था वो भी ब्रिटिश के हाथ में था। इट्स ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब यही कारण जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वही वीक बन गया था। एंड बिगन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, और यही कारण बना कि जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे यहाँ पर इंडिया में आकर के और व्यापार कर सके। मीर जाफर फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांडेड, और जो मीर जाफर जो था वो मांगों को पूरा करने में फेल हो गया। सो इन द 1860 द कंपनी डिपॉजिटेड मीर जाफर एंड मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, और फिर कुछ दिनों बाद उसको भी हटा दिया गया और उसका जो सन इन लॉ था मीर कासिम उसको बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द कंपनी द जमींदारी ऑफ द बर्डवान। इसके बाद में जो मीर कासिम जो था उसने इनकी जो जमींदारी थी वो वापस कर दी, वर्धमान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, ये इतनी सारी उन्होंने रिटर्न कर दी। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।